आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि आप जब वीवीए माइक्रो का नेम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे डेवलपर टैब में हमने शुरुआत बताई थी आपको कि माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर ले, फाइल को सेव कर ले .xlsm में। और जब हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं तो हम जो भी माइक्रो लिखेंगे इंसर्ट करके मॉड्यूल्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी मैंने बताया था आपको। अब जैसे मैं अपने सब्जेक्ट लिखा, उस माइक्रो का नाम लिखा, तो माइक्रो के नाम जो आप लिखते हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइक्रो के नेम में कभी भी आपको स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया टेस्ट टूडे, तो टेस्ट टुडे नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्पेस लगा हुआ है। तो नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। सर कौन था जी? बोल रहा हूँ सर, आपने ज्वाइन किया? ठीक, हाँ ठीक। अंडरस्कोर दे सकते हैं, इसके अलावा इसमें डॉट स्लैश डैश ऐसी चीजें नहीं लेंगे। पहले चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो के नेम में स्पेशल करेक्टर नहीं होता है। सो स्पेशल करेक्टर आप नहीं रखेंगे अपने माइक्रो नेम में। दूसरी कि आप एक नाम के दो माइक्रो एक फाइल में नहीं बनाएंगे। हाँ, फाइल अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फाइल में दो, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए। दूसरी कि थ्री डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। थ्री डिजिट का अल्फान्यूमेरिक मतलब इसके राज वन, हमने यहां पे लिख दिया राज वन, इस नाम का माइक्रो मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप रन नहीं कर पाएंगे। जैसे माइक्रो लिस्ट पर जाइएगा तो रन करने का ऑप्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज वन नाम का आपके पास रेफरेंस है, वो रेफरेंस को कॉल कर रहा है, न कि वो राज वन को ट्रिगर कर रहा है। पहली चीज। दूसरी कि हमने थ्री डिजिट क्यों किए, क्योंकि जो ला आपका जो कॉलम का नेम होता है एक्स एफ डी वो थ्री लेटर तक का ही होता है, तो थ्री लेटर में अल्फान्यूमेरिक आप बदला लेंगे। तो माइक्रो नेम में क्या क्या नहीं डालना है समझ में आ गया? अमित जी, विक्की जी, हाँ जी, चलिए माइक्रो नेम जब भी डिफाइन करेंगे तो इसका ध्यान आप रखेंगे। दूसरा, अब जैसे कि उन्होंने पूछा था कि पब्लिक माइक्रो या प्राइवेट माइक्रो क्या होता है, चलिए इसके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पब्लिक माइक्रो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पब्लिक माइक्रो। आप जो माइक्रो रिकॉर्ड करते हो, जब माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं या कोड करते हैं तो उसका स्टोरेज डिफाइन करना होता है दिस वर्क को। मतलब कि आपकी जो कोडिंग है इसी सी डेटा या जो भी फाइल है उस फाइल के अंदर भी सेव हुआ है, या फिर आपने मॉड्यूल्स के अंदर जो कोड किया ये कोड इस फाइल के अंदर सेव हुआ, और जहां जहां ये फाइल जाएगी हर कोई इस फाइल को यूज करेगा। मतलब कि अगर मैं अमित जी को फाइल भेज दूं तो अमित जी भी इस राजवन माइक्रो को रन करेंगे, या भी जो भी माइक्रो बनी होगी मॉड्यूल्स में उसको रन कर पाएंगे, इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो कहा गया कि यह फाइल के साथ ट्रेवल होती है और पब्लिकली लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक माइक्रो बोला गया। तो जैसे मैंने कल बताया था कि माइक्रो यहाँ पे आपने जैसे कि सब्जेक्ट डिफाइन किया,
राजवंश, तो इसमें पब्लिक सब भी लगा दो, सब लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट माइक्रो। अब प्राइवेट माइक्रो क्या होता है? अब जैसे कि पब्लिक माइक्रो जो है, आप जैसे राजवंश हमने लिखा, इसे मैसेज बॉक्स दे देता हूँ, चलिए हमने यहाँ पे दे दिया, लिख दिया MSG बॉक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, एक मैसेज देगा ऐसे ही। तो जैसे मैं राजवंश को रन करूंगा, ये रन कर जाएगा। साथ ही अगर मैं कोई और फाइल पे हूं, जैसे मैं किसी दूसरे फाइल पे हूं, मैं मान लीजिए बुक वन पे हूं, तो मैं इस बुक वन पे भी इस राज वन को रन कर सकता। तो पब्लिक माइक्रो फाइल के साथ ट्रेवल होती है और दूसरे फाइलों में भी रन होती है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन है कि अगर आप अपनी माइक्रो से बुक सी डेटा की माइक्रो को मैं बुक वन में परफॉर्म करना चाहता हूं, तो हमारा सी डेटा ओपन होना चाहिए। अगर मैंने सी डेटा को क्लोज कर दिया, तो मैं इस राजवन माइक्रो को नहीं यूज कर पाऊंगा किसी फाइल में। तो अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो की मदद से आप एक मेनू बार टाइप का कुछ बनाना चाहे, ताकि वो हर फाइल में हर जगह आ जाए, तो पब्लिक माइक्रो के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक माइक्रो अपनी कोड को एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव करती है। जब तक वो फाइल खुलेगी नहीं, दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा फाइल क्या है, उसको रीड नहीं कर पाएगा। अमित जी, घनश्याम जी, समझ में आया ये चीज आपको पब्लिक माइक्रो के बारे में? हाँ जी। तो पब्लिक माइक्रो की प्रॉब्लम ही होती है, तो हम प्राइवेट माइक्रो, सॉरी क्या हो गया, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है मुझसे, प्राइवेट माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट माइक्रो के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल माइक्रो, पर्सनल माइक्रो। दूसरा होता है आपका इवेंट माइक्रो। पर्सनल माइक्रो मोस्टली रिकॉर्ड करके ही आता है, तो रिकॉर्ड करते समय यहां से आप अपना पर्सनल माइक्रो वर्कबुक चूज कर लोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो कोडिंग होगी, वो कोडिंग किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं, ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होगा। तो आपको जब जब भी किसी भी फाइल में रन करना हो, माइक्रो लिस्ट में हर फाइल में आएगा, किसी फाइल को ओपन करने की, अनम्यूट कर दिया, किसी को कोई भी फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल माइक्रो एक बार रिकॉर्ड करके ओके कर ले, फिर उस पर आप अपना टाइपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल माइक्रो था। तो पर्सनल माइक्रो में क्या होता है, जैसे आपने माइक्रो वन बना दिया मैं पर्सनल माइक्रो, तो मेरे एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने किसी को फाइल भेजा, तो वो पर्सन उस माइक्रो को यूज नहीं कर पाया, उस पर माइक्रो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो की कोडिंग है, वो स्टोर किसी फाइल में हुई नहीं, तो जाएगी कैसे? वो तो स्टोर हुआ है ऑफिस लाइब्रेरी में, मतलब कि जो एक्सेल की एप्लीकेशन, एक्सेल की जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की एक लोकेशन में सेव हुआ है, किसी फाइल में सेव नहीं हुआ है। इसलिए सिर्फ आप अपने तक हो सकते हैं। यहां तक कि अगर आपने ऑफिस चेंज कर दिया, या मान लीजिए दूसरे आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन आईडी होता है उससे, दूसरे आईडी से, तो भी आपका वो चीज नहीं मिलेगा। तो पर्सनल माइक्रो एक पर्सनल यूजर के लिए होता है। अब बात करते हैं इवेंट माइक्रो की। इवेंट माइक्रो क्या होता है, जैसे आप अगर पर्सनल माइक्रो बनाए या पब्लिक माइक्रो बनाए, रन करने के लिए आपको तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप रन में जाके रन करें, दूसरा तरीका है कि आप इसकी शॉर्टकट डिफाइन कर लें, और तीसरा तरीका है कि इसको किसी बटन पे असाइन कर लें। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा माइक्रो ओपन होगा, या शॉर्टकट डालूंगा, या फिर माइक्रो लिस्ट से रन करूंगा। तो इन तीनों में यूजर की मर्जी है कि वो इसको रन करे या रन ना करे।
लेकिन मैं चाहता हूं मैक्रो मेरे हिसाब से चले, मतलब कि मैं सीट स्पेस सीट 5 पे चाहता हूं कि कोई भी क्लिक करे तो वो एरिया कलर हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जिस ऑब्जेक्ट पे करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे और हम इसकी व्यू कोड में जाएंगे और अपना लोकेशन चूज करेंगे और इवेंट चूज करेंगे कि ये मैक्रो कब रन हो। तो सिलेक्शन चेंज, बहुत सारे इवेंट है इसमें, सिलेक्शन चेंज करेंगे और अपनी कलर करने का कोड लिख देंगे। अब मैं कहीं भी सिलेक्ट करूंगा तो कलर होगा। तो अब यूजर की मर्जी नहीं है कि इस कलर करने वाले मैक्रो को रन करना, मर्जी किसकी है, सिस्टम की है। सिस्टम को उसका इफेक्ट मिल रहा है तो वो अपने आप को रन कर दे रहा है, ये इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इवेंट मैक्रो सेव कहाँ होता है, तो सेव होगा सीट 1 की प्रॉपर्टीज, मतलब इस फाइल को। इसको यूज कौन करेगा, इसको जो सीट 1 को एक्सेस करेगा वो इसको यूज करेगा। तो फिर प्राइवेट कैसे हुआ, प्राइवेट इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ ये सीट 1 के लिए ही है और सिर्फ वो सीट 1 पे ही चलेगा, इसलिए इसको प्राइवेट मैक्रो की कैटेगरी में रखा गया। सो मैक्रो बेसिकली दो टाइप का होता है, पब्लिक प्राइवेट, और प्राइवेट का एक ही होता है, पब्लिक पब्लिक मैक्रो होता है, लेकिन प्राइवेट के दो, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो। पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड करते समय अपना लोकेशंस चेंज करके बुक कर देंगे तो पर्सनल मैक्रो बन जाएगा जो कि हर फाइल पर रन होगा लेकिन एक पर्सनल यूजर को, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा इवेंट मैक्रो जो है वो एक किसी भी सीट, किसी भी फाइल, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में कोड करेगा और उसी ऑब्जेक्ट के लिए रन होगा। तो क्लियर है आप लोगों को सर, अमित जी, विकी जी और लोग जितने भी हैं। सर, जो आपने इवेंट मैक्रो बोला ना, हाँ जैसे कि वो पर्टिकुलर शीट को, जैसे कि शीट 1 को वो रन हो रहा है, अगर कोई नया वर्कबुक लेंगे तो उसके ऊपर भी शीट 1 को होगा वो रन? हाँ नहीं, एक किसी पर्टिकुलर फाइल के किसी पर्टिकुलर सीट के अंदर सेव है, एप्लीकेशन ओके ओके सर, में नहीं है ना। ओके सर, ठीक है, अब बात आती है कि पर्सनल मैक्रो बहुत कम यूज करती है क्योंकि इसको डिलीट करना, एडिट करना मुश्किल हो जाता है और ये काफी दिक्कत देता है। तो हम लोग मोस्टली इवेंट मैक्रो को भी यूज करते हैं लेकिन इवेंट मैक्रो बहुत कम यूज होता है, पब्लिक मैक्रो बहुत ज्यादा यूज होता है और पब्लिक मैक्रो को ही हम एडिंस बना के पर्सनल मैक्रो का काम ले लेते हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग का कि लर्निंग में कैसे समझे, क्योंकि आप लोग लास्ट क्लासेस में मैंने वो चीजें समझाई वो हो सकता है कि समझ में ना आए लेकिन सीखे कैसे। तो लर्निंग के लिए सबसे अच्छा चीज है आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो। जी हाँ, रिकॉर्डिंग मैक्रो ही लर्निंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से उस काम करते, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग मैक्रो को समझाया था कि उसका काम है आपके एक्शन को रिकॉर्ड करना लेकिन उसकी भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो हम इस रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज कैसे करें, तो उसके मैंने बताया था कि अगर एज ए लर्नर को किसी ऑप्शन का कोड नहीं पता तो उसका कोड आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लर्नर नहीं है, मैं भी रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल करता हूं। क्या होता है कि हमें कुछ काम करने होते हैं तो हम शुरू से कोड ना लिखते हैं, हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर इसको डायनेमिक कर देते हैं थोड़ी बहुत चेंज करके। कोडिंग जो है बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है तो जरा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, टीम का डेटा है। अब इसमें ए बी सी डी का टीम है हमारा,
तो अभी क्या मेरे पास यहाँ पे एक मिनट बताता हूँ, डेटा कर देता हूँ, मेरे पास मेल आते हैं, मुझे पास ये रिक्वेस्ट आता है कि टीम ए ने रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरा डेटा भेज दो, तो मैं उनका डेटा फिर भेजूंगा। तो भेजने के लिए क्या करता हूँ, और मुझे मैनुअली इसको करना हो तो कैसे करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग माइक्रो पर लगा दिया और माइक्रो रिकॉर्ड शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि A1 पे क्लिक करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, और फिर यहाँ फिल्टर में टीम ए को सिलेक्ट किया। रिकॉर्डिंग माइक्रो करते समय ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा माउस मूविंग, डबल क्लिक, स्क्रॉलिंग या किसी अनदर शीट पे जाना नहीं चाहिए, सारा एक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है कोड में, तो जितनी जरूरत है उतने चले। दूसरा, कभी भी माउस से सिलेक्शन मत कीजिएगा, माउस सिलेक्शन करेंगे तो एक एरिया फिक्स हो जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए स्माइल कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, और कभी भी फिल्टर में कॉपी करेंगे तो आप एक काम करके करेंगे, होम में जाएं, फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल, और यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली, क्योंकि प्योर जब आप फिल्टर ही कॉपी करते हैं तो इसके बैक साइड का डेटा भी कॉपी होने का डर होता है, तो विजुअल सेल्स ओनली कर देंगे तो बैक साइड का डेटा आपका कॉपी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे एक शीट को इंसर्ट करते हैं, अब हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी शीट हो, लेकिन फिर भी आप शीट इंसर्ट करेंगे क्योंकि हर बार आपका शीट हो ये जरूरी नहीं है। फिर मैं इसको पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं, और फिर इसका नाम मैं टीम ए रखता हूं, और फिर इसको सेव कर देता हूं। मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी और न्यू वर्कबुक, एक नया फाइल में कॉपी रिमूव कर देता हूं, कॉपी नहीं करता हूं, मूव कर दिया। और फिर इस फाइल को सेव कर देता हूं, ये तो मैनुअल की मैं सेव कर देता हूं इस फाइल। हैंग होंगे तो भी रुक जाइए, सारा डेटा लॉस्ट हो गया। कोडिंग हुई थी, हाँ कोडिंग हुई थी, टीम वन मूव तक चला गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टीम मूव कर चुका हूं मैं, अब कॉपी इसको नहीं किया, फाइल को सेव नहीं किया, और फाइल को सेव करने का कोड पता नहीं मुझे, तो मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाई और हमने एक माइक्रो फिर से बनाया, हमने क्या किया इस फाइल को सेव किया, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप सिस्टम बंद कर जा रहा है। अच्छा ये डेटा वन ड्राइव है इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। इसको सेव कर देता हूं।
जैसे क्या 3 डिजिट्स का डिवीजन? सेव को छोड़ देते हैं, सेव करते समय कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं इसके विजुअल बेसिक पे आता हूं। हाँ, अब इस कोड को समझिए। आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करते समय कोड को देखिए। आपने A1 को सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, रेंज दिया, चीजें। अब इसको मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको रन करने पे मेरा ये परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि कोडिंग तो हो गई है बट डायनेमिक नहीं है, इसलिए एरर देगा। मैं रन करूं फिर आपको एरर देगा इसमें। तो हम एक एक करके कोड को समझते हैं। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे भी आपका फिल्टर है और यहाँ भी आपका फिल्टर है, तो मैं ए फिल्टर हटा देता हूँ, ए फिल्टर की जरूरत नहीं है, फिल्टर एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि एक्टिव सी डॉट रेंज A1 से लेके U33 ये फिल्टर लगाने का कोड है और देखने से समझ में आ रहा है कि हाँ इसे फिल्टर लग रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये U132 तक ही जा रहा है। डेटा करके रेट में अगर इससे ज्यादा हुआ तो, या उससे कम हुआ तो उस केस में यहां पे ध्यान दीजिए कि मैंने जो फिल्टर लगाया था तो डेटा को सिलेक्ट नहीं किया था, हमने इस लगा दिया था। मतलब कि हम सिर्फ A1 पे कर्सर रख के फिल्टर लगाए तो मेरा पूरा डेटा कंसीडर होता है। तो मैं यहां पे ए आपका सिर्फ A1 रखूंगा और इसमें जो 32 वाला ऑप्शन है उसको डिलीट कर देता हूं। टीवी का फिल्टर लग गया, कॉपी हो गई, पेस्ट, यहाँ पे सीट ऐड हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीट 2 डॉट सेलेक्ट, यहाँ देखिए। अब इसमें क्या है कि आपने जब सीट ऐड किया तो सीट 2 आया, अगली बार सीट ऐड करेंगे तो सीट 3 आएगा, तो सीट 4 आएगा, तो यहाँ पे सीट का दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं सीट ऐड किया आफ्टर एक्टिव सीट, तो मैं इस एक्टिव सीट को लेता हूं और सीट 2 को यहां पे एक्टिव सीट कर देता हूं। टीम सीट टीम ए डॉट सेलेक्ट, यहां पे हमने इसका रीनेम किया। अभी भी ये करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सीट टीम 1 ही एक्टिवेट है ना यहां तक, क्योंकि हमने जो सीट ऐड किया वही एक्टिवेट होता है, हम उसी पे पेश किया, उसी को हमने रिनेम किया, हम अब कहीं और तो गए नहीं। बट को भी मोड फॉल्स पता चल रहा है कि जो जब कॉपी करते हैं तो ये साइड में गिरते रहता है, स्कैम मार देते हैं, एक कट को भी मोड फॉल्स होता है। अब सी टीम ए को मूव किया गया नई फाइल में, अब यहां पर नई फाइल का जिक्र तो नहीं है लेकिन मूव करने से नई फाइल में मूव होती है। तो यहां तक मेरा मैक्रो अब परफेक्ट हो गया, लेकिन वर्क होगा हर बार टीम ए के लिए। अमित जी, कोडिंग समझ में आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो करके जो कोडिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको कोडिंग समझ में आने लगेगी, ठीक है? और फिर उस पर रिसर्च भी करेंगे। शुरुआत में लर्निंग पॉइंट में जब आपके पास वीवीए के नॉलेज कम है तो हम क्या कर रहे हैं इसको इस तरह से यूज करते हैं। क्या था सर, जब हम लोग इंग्लिश शुरुआत में जब इंग्लिश नहीं आती थी तो हम लोग क्या करते थे कि उसको इंग्लिश वर्ड को लिख के और कॉपी करके हम लोग गूगल ट्रांसलेटर में जाके पेस्ट करते थे, तो वहां पे तो प्रोनाउंसिएशन और ग्रामरली मिस्टेक होती थी कन्वर्ट में, लेकिन पता चल जाता था कि उस पैराग्राफ का मतलब क्या है। ये बात मैं 2004-05 की बता रहा हूँ जिसमें मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, अभी भी खास अच्छी नहीं है बट हाँ गुड। तो इसी तरह से अभी आपके पास लैंग्वेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करो कि अपने छोटे छोटे काम जैसे पेस्ट स्पेस करने का, कंडीशन फॉर्मेटिंग करने का, फिल्टर लगाने का, पिवट लगाने का, इस तरह की जो ऑप्शंस है उसको आप अप्लाई करें इन द रिकॉर्डिंग और फिर उसको मॉडिफाई करें। अब मॉडिफिकेशन में यहां देखिए कि टीम ए टीम ए के लिए फिक्स हो गया हुआ है, तो यहां पे मैं कर सकता हूं
एक वेरिएबल लिखे कि भाई सीट नेम एस एन इक्वल टू इन, यहाँ पे टी टी, हाँ टी इक्वल टू इनपुट बॉक्स कर देता हूं एंटर, और यहां पे हम जहां जहां हमें टीम की जरूरत है वहां पे हम टी दे देते हैं। आप बोलेंगे सर टी क्या है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल में मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब होता है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू 100 कर दिया, जहां जहां 100 की जरूरत है वहां वहां एक्स लेते हैं। उसी तरह से आप वीवीए प्रोग्रामिंग में इस तरह से वेरिएबल मतलब कि टेंपरेरली सेविंग लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और बोला टी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स की क्या होगा, एक कोड किसका है, एक बॉक्स देता है, इनपुट बॉक्स देता है रन करने समय, जिसमें इसको रन करता हूं एक मिनट, माइक्रो में गया, मैंने माइक्रो वन को रन किया, तो मुझसे इनपुट पूछा, तो इसमें हमने दे दिया टीम बी, टीम बी दे दिया, तो जो टीम बी है वो टी पे स्टोर हो जाएगा, जहां जहां टीम बी की जरूरत पड़ेगी वहां वहां टी बी को सप्लाई कर देगा और मेरा काम हो गया। इस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं, सेव करने का कोड भी डाल सकते हैं, लेकिन सेव करने के मेरी फाइल हैंग हो रही है पता नहीं क्यों, इसलिए हम इसको नहीं करते। क्लियर है सर? तो ऐसे आप अपने काम वाले मैक्रो को भी कर सकते हैं। तो अमित जी, हसुद्दीन जी, सौरभ जी, आपको समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा सर। तो दूसरी चीज, आगे आगे चल के आप मैं प्रोग्रामिंग सीखेंगे या सिखा दूंगा मैं आपको, तो आपको बहुत सारी चीजों का कोड याद नहीं रहेगा, जैसे मर्ज करने का कोड क्या होता है, फिल करने का कोड क्या होता है, वैलिडेशन लगाने का कोड क्या होता है, इस चीजों को आप खुद ब खुद भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है टीचर की, लेकिन उसके उसके लिए इसमें जो चीजें होगी, वीवीए कंसेप्ट वैसे लूपिंग हो गया, आपको कंडीशंस हो गए, आपकी कनेक्टिविटीज हो गई, ये सब चीजों पर आप जो है सीख सकते हैं, बाकी चीजें ये सब चीजें के लिए तो आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन चीजों के लिए नहीं, इन चीजों को खुद ब खुद सीख सकते हैं। जैसे मुझे रिमूव डुप्लीकेट करना है, हमने क्या किया, माइक्रो को रिकॉर्ड कर दिया और हमने रिमूव डुप्लीकेट का कोड अप्लाई कर दिया, हो गया। अब यहां से माइक्रो को मैं स्टॉप करता हूं, अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग में जाता हूं, प्रोग्रामिंग में मैं विजुअल बेसिक से भी जा सकता हूं, या फिर माइक्रो में जाओ और इस पे क्लिक करके मैं इसको एडिट कर देता हूं, मैं ये दूसरे बन गया यहां का। तो यहां पे एक्टिव शीट डॉट रेंज A1 से A24 रिमूव डुप्लीकेट कॉलन 1, एक ही कॉलन था उसके अकॉर्डिंग से इधर नो। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रहा अमित जी आपको? सर सिलेक्ट जो किया है A1 से A24 पूरा एक कॉलन ही अगर रिमूव डुप्लीकेट, हाँ तो यहाँ पे आपको एक पूरा कॉलन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, हो गया ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे कम से कम 5 रिकॉर्डिंग माइक्रो को करके उसमें अपनी हिसाब से एडिट करके उसको डायनेमिक करके मुझे भेजेंगे 5 रिकॉर्डिंग माइक्रो, क्योंकि रिकॉर्डिंग माइक्रो में आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद वीवीए कंसेप्ट को शुरू करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी करने हैं कि मेनू बार में आपको फाइल से शुरू करना है और आपको व्यू तक आना है, जितने भी ऑप्शंस हैं उनके कोड को समझना है, ठीक है,
इसमें आप 90% कोड खुद समझ जाएंगे, 10% कोड बचेगा हम आपको क्लास में समझा देंगे, ये जरूरी है। तो एक दिन में नहीं करना है आपको, डेली आप 5 ऑप्शन ले लें, जैसे आज आपको या यहां तक आना है, कल आपको यहां से यहां जाना है, परसों आपको यहां से यहां जाना है, तो ये सब चीज आप करते जाइएगा, और जहां दिक्कत होगी क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है अमित जी, अभी हम अपना बीबीए कंसेप्ट भी लेके चलते जाएंगे। ओके, हाँ जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, पब्लिक मैक्रोज एंड प्राइवेट मैक्रोज में अगर फाइल, अगर कोई मैक्रो सेटअप किया है वीबीए रन करना है, जो हाँ। फाइल अगर मुझे किसी को सेंड करनी है तो ये पब्लिक मैक्रो ही होना चाहिए। आप देखिए आपकी जो कोडिंग है कोई ना देख सके, ये बोल रहे हैं आप? नहीं देखे वो प्रॉब्लम नहीं, पर रन होना चाहिए। क्या चाहते हैं? तो जैसे क्रिएट किया वीबीए प्रोग्रामिंग मैक्रो पूरा क्रिएट किया उसने, और वो फाइल सेम फाइल अगर मैंने किसी को ईमेल की, वो ईमेल जब वो डाउनलोड करने के बाद रन होगा वो मैक्रो के बाद? हाँ वो रन कर पाएगा, लेकिन अगर उसका मैक्रो सिक्योरिटी अनेबल हुआ तो, अगर डिसेबल हुआ तो उसको माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करेगा, पॉपअप देगा। अगर उसने अनेबल कर लिया तो देख पाएगा, कर पाएगा। पब्लिक मैक्रो ही होना चाहिए या प्राइवेट भी चल जाएगा? पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो के अलावा सारा मैक्रो। पर्सनल मैक्रो सिर्फ नहीं जाता है, इवेंट मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो भी, इवेंट मैक्रो भी आते हैं ना सर। इवेंट मैक्रो यूज करेगा। ओके तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके गुड नाइट, रिकॉर्डिंग में आप लोग सबको भेज दूंगा।